गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मेरी थकान थोड़ी खत्म हुई है क्योंकि कल हम लोग घर पहुंचे थे यहाँ के हिसाब से 3 बजे समथिंग, तो उसके बाद हम लोग सो गए थे और फिर रात को उठे सीधा। अब इस टाइम शेड्यूल बिल्कुल नहीं बन पा रहा है क्योंकि कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, अभी वो इंडिया के हिसाब से चल रहा है। तो हम लोग सोए यहाँ के हिसाब से थे आधी रात को, फिर से 4 बजे, और अब यहाँ बज रहे हैं कुछ अराउंड 7:45, और अब हम उठ गए हैं। और क्या, बस यही है कि अब हमारे बॉर्नमाउथ में, आपको मैं दिखाऊंगी कि बॉर्नमाउथ क्या जगह है। हाँ, 1-2 दिन अभी मेरे व्लॉग्स में कुछ ज़्यादा कंटेंट हो नहीं पाएगा बिकॉज मैं घर पे ही हूँ, क्योंकि अभी मेरे में घूमने की हिम्मत नहीं है। तो हम लोग जहाँ पे भी बाहर जाएंगे, आप लोग ऑब्वियसली मेरे साथ ही जाएंगे। रात को 3 बजे रात के हम लोगों ने खाए छोले चावल जो मैंने खुद बनाए। हाँ जी, मैं कुक भी हूँ। तो आगे की इंटरेस्ट नहीं था ये, होता है क्योंकि आगे के मेरे व्लॉग्स में शायद मैं अपनी रेसिपीज वगैरह भी डाल दूं अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो, क्योंकि खाना मैं थोड़ा अच्छा बना लेती हूँ। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो जुड़े रहना मेरे व्लॉग्स के साथ, आगे का दिन में जो जो होता है मैं आपको बताती रहती हूँ। अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय, चाय पियेंगे और उसके बाद दिन शुरू करेंगे। अब आ गई हमारी चाय, ये देखो, और अब हम बैठे हैं, चाय वाय पियेंगे। रुपिन को आज जाना है यूनिवर्सिटी फॉर सम वर्क, तो अभी ये जाएगा तो मेरे को फिर बोर होना पड़ेगा। आज शायद हम लोग बाहर भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि रुपिन को काम है पूरा दिन, और मैं यूजुअली अकेले निकलती नहीं हूँ बाहर क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तो पहले तो मैं आपको अपने रूम से व्यू दिखाती हूँ, देखो जो वहाँ पे दिख रहा है ना सामने, दैट इज़ द बीच। जो यहाँ पे मतलब बॉर्नमाउथ इज फेमस फॉर बीच, जैसे हमारे इंडिया में गोवा है वैसे ही यूके में बॉर्नमाउथ है। तो यूजुअली आप यूट्यूब पे कभी सर्च करोगे ना तो बॉर्नमाउथ करना, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि बॉर्नमाउथ को ज़्यादा लोग जानते भी नहीं है, ना यहाँ ज़्यादा आते हैं ना वीडियोज़ बनाते हैं। तो कुछ एक वीडियो शायद डली हुई है किसी की अबाउट बॉर्नमाउथ, क्योंकि जब मैंने यहाँ आना था ना मुझे बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है यहाँ की, बट उसके रिव्यूज़ नहीं है। एंड हम लोग इंडियंस की होती है ना कि एक बार यार रिव्यू देख के ही जाएंगे। तो आज मैं बॉर्नमाउथ यूनिवर्सिटी का अब से मैं ब्लॉग करने वाली, ब्लॉग शुरू। तो दिखाऊंगी कैसी यूनिवर्सिटी है, कैसी जगह है, कैसी मार्केट है, बीच दिखाऊंगी। तो जुड़े रहना मेरे ब्लॉग के साथ। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दुआ जी के ब्लॉग्स को तो अब कर लो, और अगर आपको मेरे पेज के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए कोई और नाम समझ आता था वो भी बताना, क्योंकि अच्छा होता है यार किसी का ओपिनियन मिले, अच्छा लगेगा तो मैं नाम भी चेंज कर दूंगी। तो देखते हैं, अब मैं पीती हूँ चाय, बाकी का दिन क्या होता है कैसे होता है जुड़े रहना मेरे से। तो अब हो गया है नाश्ते का टाइम, पीछे अगर मैस दिख रहा हो तो बुरा मत मानना क्योंकि हम लोग कल ही आए हैं और मैं थकी हुई थी यार। तो अब हम लोग नाश्ता करने लग गया और मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। कोई रेसिपी क्यों पूछेगा, सबको आता है, मैंने खुद मम्मी से पूछा है। तो ये देखिए, ये है मेरा बेसन का चीला रेडी, मतलब ये रेडी नहीं है, मैं कच्चा नहीं बनाऊंगी, अभी मैं बनाऊंगी। तो मैं बनाती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ कि इसकी शक्ल कैसी आई है। अच्छा बना तो ठीक है, नहीं तो मेरी बेइज्जती मत करना। डालेगी नहीं है? मैं डालूंगी, मैं पक्का डालूंगी, मैं सच ही डालती हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं डालती। तो मैं बनाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये टूटा हुआ बना है, बिखरा हुआ बना है या समेटा हुआ बना है। तो देखते रहिए। और ये मेरा बन गया है कुछ तो बना मुझे है। प्लीज मुझे बताना जरूर कि ये बना है क्या चीले जैसा है या फिर और कुछ लग रहा है। भाई खाना मैंने है, बताऊंगा मैं, ब्लॉग वाले भी बताते हैं क्योंकि सबको आता है, हमें नहीं आता बस। तो बताना जरूर और ये खा के बता दें, अभी रिव्यूज कर लेती हूँ मैं, बाकी मिलते हैं रिव्यू के बाद खाने के बाद। कैसा था रुबिन? अभी खाया नहीं मैंने। झूठे, अभी तो तारीफ कर रहा था। वैसे देख ले, ये देखो यार मैंने दूसरा बनाया, कितना सुंदर लग रहा है, वाह। तो मैं ऐसे देखती रहूं, जल जाएगा भाई, ऐसे दिखती रहेगी तो। अभी ये, अभी इसने खाया नहीं है, हो झूठी तारीफ कर रहा था मेरी। तो अब हम लोग खाते हैं और फिर आपको बताते हैं। ओके,
हाँ जी भाई सच बताइए नाइस। आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ, हमने ना इमरजेंसी के लिए मियोनीस के लिए क्या कर रखा है, रुको देखो देखो हमारा चक्रा ओल लाओ मेरा पेड़ गिर गया। तो गाइस बात ऐसी है कि अभी बिल्कुल चीले जैसा बन चुका है। एक्चुअली मैंने थोड़ा पतला कर लिया इसके बाद, क्योंकि मेरे को रूपन ने कहा था कभी कभी अच्छी से लाइन दे देता है। तो ये हमारा पूरा तैयार है, तैयार है। ये देखिए इसकी फ्रंट शक्ल, वाओ। मुझे पहले कभी पूरा पसंद नहीं था, बट आज से होगा क्योंकि मैं खुद बना रही हूँ। और ये मस्त स्वाद ले रहा है, ये देखो क्या क्या बात है, क्या बात है। ब्लश मत कर यार, बाद में बैठ के देखता तो बड़े शौक से वीडियो। चलो यार अब इसको खाने देते हैं, मैं भी खाती हूँ और फिर मिलते हैं बाद में। तो हुआ ऐसा कि मुझे चीला ज्यादा पसंद नहीं है, रूपन को बहुत पसंद है, तो मैंने अपने लिए बना लिए पकौड़ी। क्योंकि तला हुआ खाए बिना तो हमारे को मजा नहीं आता है, तभी तो हम मोटा होता है। तो हम खाएगा पकौड़ा, फिर पियेंगे चाय, फिर हो जाएंगे वेले। तो जब वेले होते हैं तो आपसे मिलते हैं, तब तक आप देखिए मेरे पकौड़े कैसे बन रहे हैं। तो अब बज गए हैं 12, मेरे नहीं वक्त हो गया है 12, सॉरी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और अब हमारा हो गया लंच का टाइम, तो मैंने करा है छोले चावल गरम, ये देखो। हाँ यार मुझे सब बनाना आता है, सच्ची बता रही हूँ मैं। अब मैं खाना खिला के रुपिन को भेज दूंगी यूनिवर्सिटी के लिए, फिर खुद नहाऊंगी, तैयार होंगी मूड किया तो। और अभी पता नहीं शायद इसका यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन मार्क है, वहाँ से वेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से कि आना है या नहीं आना। तो अगर इसको जाना होगा तो फिर तो घर भी है, नहीं तो यहाँ आके हम बहुत बड़ा एक शॉपिंग मार्ट है ASD है आजडा, वहाँ जाएंगे घर का सामान खरीदने। तो ऑब्वियसली आप सब भी हमारे साथ चलेंगे, तो एक बार अगर हम जाते हैं तो फिर मैं आपको बाहर का भी दिखाती हूँ और मार्ट भी दिखाती हूँ। तो देखते हैं यूनिवर्सिटी से क्या मैसेज आता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे का व्लॉग में क्या होने वाला है। तो जुड़े रहो और देखते रहो। तो हुआ कुछ ऐसा कि जैसे मुझे लग रहा था वही हुआ, रुपिन की यूनिवर्सिटी से मैसेज आ गया कि आज नहीं जाना, आज का उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, तो हम हो गए रेडी। अब मैं पहले बनाऊंगी थोड़ी बहुत वीडियोस, उसके बाद हम जाएंगे ASD ग्रोसरीज देने, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निकलते हैं घर से और फिर दिखाते हैं आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। निकल गए हैं और ठंड तो बहुत है, पर मुझे वीडियोज का इतना शौक है तो मैं ऐसे ही निकल पड़ी हूँ। उसको देखो कितनी ठंडी बन के जा रहा है, एक स्वेटर भी पहना है, एक जैकेट पहनी है और एक मेरी जैकेट रखी है, बिकॉज ये केयर तो बहुत करता है मेरी। तो हम जा रहे हैं नीचे, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे कैसा है। तो ये है बाहर का रास्ता, यहाँ पे देखो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। थोड़ा ही आ गया है और मेरी कुकड़ी बननी चालू हो गई है। यहाँ पे हवा बहुत तेज रहती है एक्चुअली, और मैंने कपड़े ऐसे पहने मुझे ठंड लग सकती है। रुबिन मुझे घूर घूर के देख रहा है, वो देखो। तो अब मैं आगे चलती हूँ, एक आध वीडियो बना के जैकेट वैकेट पहनती हूँ यार, नहीं तो वाकई ठंड लग जाएगी। तो मिलते हैं आगे। हाँ जी मैं फिर से घर चली गई थी, ये मुझे डांट के घर ले गया क्योंकि हवा इतनी तेज थी कि मेरे को बहुत ठंड लग रही थी। अम्मी को फिर से पहना दिए कपड़े, यहाँ बहुत ठंड है यार, दिल्ली इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी पंखा चला के सोना पड़ रहा था, हमारा तो AC का भी मूड कर गया था अब। बट यहाँ आके तो बैंड बच गई है, वो मेरे बाल फंस गए, जैकेट की बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे बाल फंस जाते थोड़े बहुत तो है, उनको भी कटवा लू। तो अब हम लोग पहुँचने वाले आजडा, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ठंड है यार। तो फिर मिलते हैं आजडा पहुँच के उसके बाद। तो अभी मैंने आपको दिखाया है ASD है, अभी मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो शायद UK आने में इंटरेस्टेड हो या फिर जो भी है। तो यहाँ पे UK में बेसिकली ये सीन है कि यहाँ 2-3 बड़े बड़े जाइंट्स हैं, तो जो छोटी रिटेलर्स हैं वहाँ ज़्यादातर हम तो गए नहीं कभी, क्योंकि इतना हम प्रेफर नहीं करते वहाँ जाना, बिकॉज यहाँ रेट्स अच्छे मिलते हैं। तो जैसे 2-3 है, ASDA है, सेंसबरीज है, टेस्को
सबसे चीपेस्ट है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अगर यूके के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, जो भी अगर कोई देख रहा है और जो आना चाहता है यूके में, तो हम अभी शिफ्ट हुए हैं, वी हैव बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी ज़्यादा ही है। यहाँ आके कैसे करना है, जॉब्स का जो भी आपको क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व कर देंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ बताना ज़रूर, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ बताने में, मेरे को नॉलेज होती है, मैं बताना बहुत खुश होती, क्योंकि अपन को वेला करना पसंद नहीं है। क्यों भाई? मस्त जोक मार। जोक से पाए, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ज़रूर पूछना। तो अब मैं ज्ञान दे के थक गई हूँ, अब पहुँचते हैं अजडा और करते हैं खाने पीने की शॉपिंग। बाय बाय। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ अंदर ऐसे रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं होता, तो अगर कभी किसी को इनडेप्थ कुछ जानना होगा कि यहाँ रेट्स कैसे हैं या कुछ भी, तो बताना, मैं परमिशन लेके ज़रूर करूँगी। अभी के लिए मैं सामान लेके आती हूँ और फिर मिलते हैं घर जाके। तो आप देख रहे हो हमारी शॉपिंग पूरी हो गई है, ये देखिए बैग भी भर रहा है और ये भी भर रहा है। हम यही करते रहते हैं जब आते हैं ना यहाँ पे, बस ये हमारा चलता ही रहता है। तो सामान हमने ले लिया है, अब हम जा रहे हैं वापस घर। धूप आ रही है, इतना अच्छा लग रहा है भाई, गॉड। हम जा रहे हैं घर की तरफ, घर जाके थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर पियेंगे चाय और फिर पता नहीं क्या करेंगे। तो जब तक लॉक चल रहा है आप भी देखते रहो, हम भी देख रहे हैं, जुड़े रहो, देखते रहो। तो यार मैं आके थोड़ी देर सो गई थी और कुछ करने को नहीं है। अब मैं ये भी बताऊंगी आपको कि अब शायद मैं रोज़ भी व्लॉग्स ना डालूं, क्योंकि अगर कंटेंट ज़्यादा अच्छा नहीं होगा तो आप लोग भी पूरा नहीं देखोगे, ये ऑब्वियस सी बात है। इतना तक भी देखा तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जब भी कुछ अच्छा कंटेंट होगा या आप लोग मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो भी ऑफकोर्स, या फिर जब मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे कुछ दिखाना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा तो मैं डालूंगी, और इंटरेस्टिंग बनाए रखेंगे अपने दुआ जी के व्लॉग्स को। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो, जितना मैं कर सकती थी आज मैंने करा, आगे भी करती रहूँगी। तो जुड़े रहना मेरे चैनल के साथ, इसलिए बेल आइकन दबा दो, जब भी मेरी वीडियो अपलोड है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर दो हो सके तो, मूड हो तो, और लाइक और कमेंट तो वीडियो पर कर ही दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब भी होएगा आपको पता लग जाएगा, विद सम वेरी 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 ग्रेट मस्ती एंड फन। गुड बाय, सी यू।